शहर में जहां एक ओर साइबर क्राइम के मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर की साइबर क्राइम की टीम द्वारा भी सराहनीय काम किया जा रहा है। ऐसा एक मामला साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अंतर्गत सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी ही बखूबी से फिरियादी को न्याय दिलाया। उपराजधानी का विकास और विस्तार हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, ऐसे में अपराध भी बढ़े हैं, जिसमें साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। हालांकि इसी बीच शहर का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भी बड़ी बखूबी से कार्य कर रहा है, ऐसा कुछ फिरियादियों द्वारा कहा जा रहा है। फिरियादी निकेश उके ने BCN से बात करते दरमियान बताया कि उनका 7 तारीख को मोबाइल पे लिंक आई थी, जिसको उन्होंने डाउनलोड किया, जिसकी वजह से उनके बैंक खाते से लगभग 52,000 रुपए चले गए, जिसके बाद इस संदर्भ में बात करने के लिए वो जिस बैंक में उनका खाता है उस बैंक में गए और वहां के मैनेजर से बात की, पर तब भी उन्हें समाधान नहीं मिला। फिर उन्होंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाकर शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 दिनों के भीतर उन्हें न्याय दिलाया। मेरा नाम निकेश उके है। मैं 7 तारीख को मेरा 52,000 रुपए का जो कैश है वो एक मोबाइल से लिंक डाउनलोड करने से निकल गया। मैं तुरंत अपने बैंक मैनेजर से मिला, उन्होंने से मेरा समाधान नहीं हुआ तो तुरंत मैं सिविल लाइन्स का जो साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आया, वहाँ से बागुल सर से मिला। उसके बाद मैं वाक सर और कृष्णा युवनाते साहब से अपने जो मेरे साथ जो हादसा हुआ उनकी जानकारी दिया उनको। उन्होंने उस आधार पे मेरी रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्रवाई किया, जिसके फलस्वरूप मुझे मेरे 7 तारीख को जो 52,000 रुपये गए थे वो 9 तारीख को मेरे अकाउंट में वापस चले आए। इसके लिए मैं साइबर पुलिस स्टेशन और उनके कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त साइबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अशोक बागुल ने भी BCN से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने मामले के संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की। जी करण जी, आप सही बोल रहे हो। इसमें जैसे कि श्री निकेश उके साहब है, इनके साथ करीब 51,000 रुपये का फ्रॉड हुआ, जिसमें कि उनको एक लिंक भेजा गया, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि इसके ऊपर क्लिक करो और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे मांगी गई, जो कि इन्होंने अनफॉर्चुनेटली दे दी, तो इमीडिएटली उनके पैसे चले गए। लेटर ऑन ही वेंट ऑन टू बैंक एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाई बाय द जो भी है। फिर वो हमारे यहाँ पे आए तो हमारे API वाक साहब है, मिस्टर केशव वाक, और मेरा आदमी कृष्णा युवना थे, इन्होंने बढ़िया ढंग से इमीडिएटली उनका कंप्लेंट लिया और जहाँ पे मनी का ट्रेल था उसको ट्रेस करके वो पेमेंट का जो नोडल ऑफिसर था पेमेंट वॉलेट का, उसको इमीडिएटली मेल किया, उससे बात किया और उसको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, आप इमीडिएटली अकाउंट फ्रीज कीजिए, लीन कीजिए और अमाउंट इनको वापस दीजिए। तो बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ कंसिस्टेंट फॉलोअप ऑफ माई मैन API वाक साहब और कृष्णा, वो 2 दिन में उनके पूरे पैसे 100% उनको मिल गए। तो मेरी आपके माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई भी ऐसा मैलिशियस कॉल आता है, SMS आता है या मेल आता है, जिसको कि स्मिशिंग, विशिंग, फिशिंग बोल सकते हैं साइबर क्राइम के भाषा में, तो उसको आप रिस्पॉन्ड ना कीजिए। कोई भी पर्सनल जानकारी जो कि पासवर्ड है, अकाउंट नंबर है, CVV है, पिन नंबर है, OTP है, वो आप कभी भी किसी को भी मत कीजिए, शेयर मत कीजिए। कोई ऐसा ऐप, फॉर एग्जांपल AnyDesk का ऐप है या ऐसा कोई ऐप है, उसको डाउनलोड मत कीजिए, जिससे कि आपका स्क्रीन शेयर हो और आपका OTP या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो, ताकि आप किसी भी साइबर क्राइम से बच पाए। हमारे आदरणीय पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर, एडिशनल CP मिस्टर सुनील फुलारी सर, DCP हमारे विवेक मासाड़ सर, ये इनके मार्गदर्शन में हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जनता की जान और माल स्पेशली साइबर क्राइम से बचाने के लिए हम कमिटेड है। लेकिन जनता ने अवेयरनेस लेवल, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज बढ़ाना जरूरी है और अपनी पर्सनल जानकारी किसी भी हालत में गलत तरीके से किसी के साथ शेयर नहीं करना जरूरी है, ताकि आप साइबर क्राइम से बच पाए। इस वक्त उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे किसी भी तरीके की निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, OTP, CVV किसी से भी साझा न करें। साथ ही ऐसा कोई ऐप भी अपने फोन में न डालें जिसमें स्क्रीन शेयर होती हो। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।